ब्रॉट टू यू बाय आईटीसी सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। यूपी की तरह बिहार में भी जगह के नाम बदलने को लेकर सियासत तेज है, लेकिन इस मांग पर एनडीए के अंदर विवाद गहरा गया है। एक तरफ जहां बीजेपी नाम बदलने को लेकर मांग कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू ने इसका विरोध कर दिया। इतना ही नहीं, बीजेपी के इस मांग पर जेडीयू ने इतना तक कह दिया कि मांग करने वालों को इतिहास का ज्ञान नहीं है। दरअसल बीते दिनों यूपी की योगी सरकार ने 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए थे। इसके बाद बीजेपी नेता और बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार बबलू ने भी बख्तियारपुर का नाम नालंदा और सुल्तानगंज का नाम अजगैबी धाम करने की मांग की थी। बीजेपी नेता और बिहार सरकार में मंत्री के इस मांग पर जेडीयू ने अपना कड़ा ऐतराज जताया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने इस पर आपत्ति जाहिर की है और साथ ही कहा कि बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग वही उठा रहे हैं जिन्हें इतिहास का ज्ञान नहीं है। बख्तियारपुर एक गांव था जिसकी आबादी करीब 250 थी। बख्तियारपुर के नाम पे एक सूफी संत थे, उन्हीं के नाम पर बख्तियारपुर पड़ा है, ना कि बख्तियार खिलजी के नाम। ये नीरज कुमार कह रहे हैं। दोनों का बयान आपको पूरी तरह से विस्तार से हम सुनाते हैं। यूपी की योगी सरकार के कई कारनामे देश भर में चर्चित होते हैं, चाहे वो नाम बदलने वाले कारनामे हो या फिर बुलडोजर चलाने वाले। मांग बिहार में भी उठती है कि यूपी के तर्ज पर बिहार में भी उस चीज को लागू किया जाए। बीते दो दिनों पहले यूपी में कई रेलवे स्टेशन के नाम जो हैं वो बदले गए हैं, नामों को बदल करके नए नाम जो हैं वो दिए गए हैं। ऐसे में हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू हैं। हम इनसे जानेंगे कि जिस तरीके से यूपी में जब कुछ होते हैं तो बिहार बीजेपी की तरफ से भी ये आवाज़ उठाया जाता है कि बिहार में भी ये चीज़ लागू होना चाहिए। तो हम जानेंगे कि क्या बिहार में भी कुछ ऐसे जगह हैं जिसके नाम बदले जाने चाहिए, जिनके नामों का बदलाव जो है वो होना ज़रूरी है। निश्चित रूप से होना चाहिए। देखिए, यूपी में जो भी काम होता है मुझे लगता है कि बेहतर काम होता है और इसकी चर्चा देश लेवल पे होती है कि नाम बदलने का हो या बुलडोजर चलाने का हो। अपराधियों पे बुलडोजर चलना ही चाहिए और जो गलत नाम, यानी कि पहले मुगल शासन में जो तोड़ फोड़ करके लूट करके नाम दिया गया, ऐसे नाम कहीं बिहार में भी अभी हैं, इसको सबसे पहले बदलने की आवश्यकता। बगल में बख्तियारपुर है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का काम किया, लूटने का काम किया, और जो हमारा स्टेशन था बख्तियारपुर, इसका नाम नालंदा था पहले और इसका नाम बदल दिया गया, बख्तियारपुर रख दिया गया, तो सबसे पहले इसको चेंज करना चाहिए। दूसरी तरफ हमारा अजगैबी नाथ में है, सुल्तानगंज है, उसका भी नाम बदलना चाहिए कि उसका भी नाम कम से कम अजगैबी नाथ होना चाहिए। हमारे यहाँ कोसी कमिश्नरी में एक और बख्तियारपुर है, उसका भी नाम बदलना चाहिए। ऐसे जो पुराने घृणित व्यक्ति के नाम से है, बख्तियार खिलजी के नाम से जो स्टेशन का नाम है, ऐसे नाम को निश्चित रूप से बदल देना चाहिए। इसमें जितना लेट हो रहा है, ये काफ़ी विलंब हो रहा है, इसको अविलंब करना चाहिए, मेरा ये मानना है, क्योंकि ये नाम उस आतताई को दर्शाता है, कहीं ना कहीं याद दिलाता है कि जिसने बिहार को लूटने का काम किया, यहाँ के जनता को लूटने का काम किया, धार्मिक हमला किया, तो ऐसे लोगों का निश्चित रूप से नामोनिशान खत्म होना चाहिए। जी, आपकी सरकार है, कई सालों से आप लोग सरकार में हैं, तो क्या आप अपनी सरकार से इस चीज़ को लेकर के मांग रखेंगे आगे किसी के साथ, या मुख्यमंत्री जी से मिलकर के इस बात को रखेंगे आप? देखिए, गाहे बगाहे इसकी चर्चाएं होती रहती है और मुझे लगता है कि इसकी चर्चाएं दिल्ली तक पहुंची है और हमें विश्वास है कि निश्चित रूप से इस पर काम होगा और ऐसे नाम को निश्चित रूप से विलोपित कर देना चाहिए कि जिस नाम से एक भय और खौफ का माहौल बनता है, जिसने हमारे राज्य और देश को लूटने का काम किया, ऐसे लोगों के नाम पे हमारा रेलवे स्टेशन हो, रोड हो, कोई और शहर हो, निश्चित रूप से उसका नाम बदलना चाहिए। यूपी में जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर कर दी जाती है, लेकिन बिहार में बस उस ये चर्चा का विषय बन के रह जाता है, तो क्या बिहार बीजेपी का कुछ ऐसा प्लान है कि इसको लेकर के आगे कार्रवाई हो सके? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब यहाँ है कि ठीक है, कोई काम सोच समझ के देर से भी होता है, तो इसके लिए हम कहेंगे कि आज हो, कल हो, परसों हो, लेकिन होना जरूर चाहिए। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, ऐसे नाम को पूरी तरह खत्म करना चाहिए जो आतताइयों का नाम। यूपी में योगी सरकार ने कई सारे रेलवे स्टेशन का नाम बदला है, बिहार में भी मांग उठी है, कि बख्तियारपुर का, सुल्तानगंज का जो नाम है वो बदलना चाहिए। बख्तियारपुर के बारे में जिनको जानकारी का अभाव है, इतिहास का ज्ञान नहीं है, बख्तियारपुर एक गांव था और उस गांव की आबादी 250 थी। बख्तियार काकी नाम के सूफी संत थे जिनके नाम पर बख्तियारपुर है। अरे, बख्तियार खिलजी कहाँ गए थे,
बंगाल गए थे भागलपुर के रास्ते से, तब बख्तियारपुर कहां नजर आ गया? नाम बदलने से उस इलाके के लोगों को बिना टिकट का यात्रा का अनुमति मिल जाएगा क्या? अरे नाम बदलने से अच्छा है काम करिए, सुविधाएं बढ़ाइए। लेकिन ये मांग आप ही के सरकार के मंत्री ने रखा है, नीरज बबलू ने, क्या कहेंगे आप ही के सरकार के मंत्री ने ये मांग रखा है? मैं तो अनुरोध कर रहा हूँ भाई, सिमरी बख्तियारपुर है सहरसा जिला मुनी के जिला में, उनका भी नाम बदलने के लिए उन्होंने कहा है। तो बता तो रहे, तो पढ़ ले डॉक्टर राधा कृष्ण चौधरी का किताब पढ़िएगा ना भाई, उससे मतभेद है, ये सहमत हो या असहमत हो, ये गजट है, गजट निकाल के पढ़ लीजिए। और मैं पूरी चुनौती के साथ कहता हूं कि चाहे बख्तियारपुर हो, बिहार शरीफ हो या सिमरी बख्तियारपुर हो, जिसके नाम बदलने की चर्चा लोग करते हैं, इतिहास में वैसे नाम सूफी संतों के नाम पर हैं, जहां हिंदू और मुसलमानों सबकी श्रद्धा नवत रहती है। मतलब आप नाम बदलने के पक्ष में नहीं है? बिल्कुल नहीं, नाम क्यों बदलेंगे? उस इलाके की तस्वीर हमने बदल दिया, आज बख्तियारपुर की तस्वीर हम बदल दिए, नहीं तो बख्तियारपुर को कौन जानता था? आज बख्तियारपुर में पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी बन रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, शिक्षा का केंद्र बन गया, तब बख्तियार खिलजी कहां तो गए थे, वहां कहां कहां से ज्ञान लेकर चले आते हैं सब। तो दोनों नेताओं के आपने बयान सुने, एक तरफ जहां दोनों ही पार्टियों में कुछ मुद्दों को लेकर मतभेद है उन सबके बीच ये बयान, वहीं अब देखना होगा कि दोनों पार्टियों के बीच इसको लेकर विवाद आगे भी बढ़ता है या मामले को शांत करा दिया जाता है, क्योंकि बिहार राजनीति में जेडीयू और बीजेपी कई मुद्दे पर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन देखने को मिले हैं। तो अब जाहिर तौर पर इस बयान के बाद से क्या सियासत और गर्माती है? दूसरी एक तरफ मंत्री हैं तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के चहेते MLC नीरज कुमार का आपने ये बयान सुना, आपको क्या लगता है ये विवाद और गहराएगा या इसका पटाक्षेप होगा भी? अभी इसकी शुरुआत हुई है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। पटना से निकेत कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे थे, तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।